सब बहुत एक्साइटेड हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं टू गो एंड सी द फिल्म। अब ये पाकिस्तान की पहली पाकिस्तानी सुपर हीरो फिल्म है, एक बहुत ही पॉपुलर पुराने ज़माने के एक हमारे जो थे जम्बीलों के शहजादे उम्र अयार और इस तरह के पुराने फोकलोर कहानियों के एक हीरो थे, तो बड़ा बड़ी फख्र की बात है और बहुत एक्साइटिंग है कि हम एक ओल्ड फोकलोर हीरो को मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टाइम में दोबारा लेकर आ रहे हैं हमारी यूथ के लिए। मेरा कैरेक्टर का नाम मीना है और फिर अली काजमी वॉरियर है, जो उस्मान मुख्तार है वो उम्र अयार की नस्ल के हैं, मैं जो हूँ मंजर सहबाई साहब की बेटी बनी हुई हूँ। हमारा जो है हम नोअर्स हैं, हम पहले से एक सिचुएशन देख सकते हैं, आपको फिल्म जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा किसका काम क्या है। बट बहुत सारी स्टंट्स हैं, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इस लेवल की VFX हुई है, तो आई होप इंशाल्लाह इस चीज़ को आप सब आएंगे, क्योंकि ये है एक मोमेंट हमारे लिए प्राउड होने का, पाकिस्तानी सुपर हीरोज को हम अब पाकिस्तान लेकर आए। मैंने उम्र अयार का ट्रेलर देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली विजुअल इफेक्ट्स का काम, एंड उम्मीद है कि फिल्म ट्रेलर से भी ज़्यादा बेहतर होगी और इंशाल्लाह बहुत बड़ी हिट हो। मेरी दुआएं हैं फॉर द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, फॉर दिस फिल्म एंड फॉर मेनी अदर फिल्म्स टू कम, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। पॉइंट ये है कि पब्लिक जो है फिल्म को एंजॉय करे, क्योंकि हमारे पास सिनेमाज की तादाद अब कम है, कैलकुलेशंस करना अभी फ़िलहाल इस इंडस्ट्री में इन हालात में मुश्किल है। मैं तो चाहता हूँ कि 100 क्या 200 300 400 करोड़ करें, बट आई थिंक राइट नाउ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग फिल्म इंजॉय करें, फिल्म इंजॉय करेंगे तो फिर आगे ग्रोथ का और मार्ज है, सो दैट्स व्हाट आई विश। हमें ये एक चैलेंज मिला था लोगों की तरफ से कि इस मुल्क में ऐसी फिल्म नहीं बन सकती, हमने बना दी है। मैं एक कहावत के बारे में बात करता हूँ कि हमें कहते थे कि वो क्या है कहावत के जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने मोर नचा दिया है, अब आप लोग देखें आके प्लीज़, तो फिर बात बनेगी पूरी। आई कुड नॉट बी मोर एक्साइटेड देन आई एम राइट नाउ, दिस इज़ एन एंडेवर ऑफ फोर ईयर्स इन द मेकिंग। आज 4 साल की मेहनत जो है वो आपके सामने है, तो उम्मीद है आप लोग इसको देखेंगे, सराहेंगे, और इस तरह की मूवी अगर आप लोग आके देखेंगे तो फिर और बनेंगी। इसलिए ये आप लोगों से इल्तजा है, ये आप लोगों से चैलेंज है, आके देखो और फिर मुझे बताओ। बहुत खुशी है मुझे कि मैं प्रीमियर पे आया हूँ, उम्र अयार फिल्म रिलीज़ हो रही है और इसमें जो सबसे डिस्टिंग्विशिंग बात है वो ये है कि इसके सारे स्पेशल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, तो ये एक बड़ा बेंचमार्क है पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए। तो मेरी सारी दुआएं और बेस्ट विशेज़ इस फिल्म के साथ हैं, मेरा भी इसमें एक छोटा सा रोल है और आई होप कि ये फिल्म अच्छा बिजनेस करे, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करे और मज़ीद इस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर फिल्में बने इंशाल्लाह। मौला जट की याद दिला रहा है, लीजेंड ऑफ मौला जट, उसके बारे में इत्तफाक है कि मैंने कहा था, अभी फिल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि इसके बारे में क्या कहते हैं, क्या प्रडिक्शन करते हैं, मैंने कहा 100 करोड़ करेगी। दूसरी बार उसने पूछा, मैंने कहा 200 करोड़ करेगी, वो 300 करोड़ करेगी। अब इसको इस फिल्म के बारे में ये जो देखा है मैंने, मैं ये कहूँगा कि ये 200 करोड़ तो करेगी ही, आगे कितनी जाती है ये मैंने कुछ नहीं है, दिल की आवाज़ है। तो हम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, मैं ये इनको ढेर सारी दुआएं लेके आया हूँ इनके लिए, और अगर ऐसी फिल्में बनती रहीं तो सनमा आबाद होंगे और फिल्में भी बनेंगी। I've seen the trailer. I loved it. I've seen the trailer and I loved it. It's promising. इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इतनी मेहनत की है, फिल्म हो या ड्रामा हम सभी बहुत मेहनत करते हैं। I haven't seen the film. फिल्म देखने के बाद ही बता सकूँगी कैसी है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि फिल्म बहुत अच्छी होगी। बहुत ही अच्छा और बड़ा मोमेंट है और सब एक साथ हैं और मेरा ख्याल इसी तरह हम अच्छी तब्दीली भी लेके आएंगे, अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे, अच्छी फिल्में बनाएंगे। उम्र अयार की सारी टीम को
बहुत सी शाबाश और नेक तमन्नाएं और दुआएं, और सबको देख रहे हैं फील्ड में, सब लोग यहाँ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी हार्टनिंग, और लग रहे हैं ये बड़ी ईद पे एक बहुत बड़ी कामयाबी मिले इस फिल्म को। ये भी बताइएगा, अभी हाल ही से आप दिल्ली में होके आए हैं सलाउद्दीन यूबी ड्रामा की, जो मैंने तो देख चुका हूँ आपकी वोकिल, कुछ लोगों ने नहीं देखी, उस हवाले से भी बताइएगा। जी जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत शानदार, ये पाकिस्तान और टर्की का जॉइंट वेंचर था, और इस तरह के और बहुत से वेंचर्स होने चाहिए, और ये भी मेरे ख्याल एक ओपनिंग है मेरे हिस्से में, आ गया बीइंग अ फर्स्ट एक्टर, तो ये सिलसिला चलते रहना चाहिए और चलेगा इंशाल्लाह। जी एक्साइटमेंट उरूज पे है, बहुत खुशी है, हम सब ने बहुत मेहनत से, सारे कास्ट और क्रू ने मिल के एक मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त और एक ऐसी फिल्म बनाई जो कि मेरे ख्याल में सिनेमा के दरवाजे खोलेगी एक नई राह की तरफ। साईफाई फैंटेसी सुपर हीरो एपिक मूवी बनाई है हमने, उसमें मेरा किरदार है माज का। माज एक वॉरियर है, वॉरियर का लीडर है, अयारों का लीडर है, और मेरे पास एक क्रॉसबो है जिसमें से तीर निकलते हैं, और मेरा सुपर पावर है कि आई डोंट मिस, मेरा निशाना चूकता नहीं। सो आगे देखिएगा कि कहानी में होता क्या है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप सब ये फिल्म देखें। सब कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसी फिल्में बनती नहीं हैं, अब हमने ऐसी फिल्म बना दी है, आप सब पे है, आप सब पे, कि ये फिल्म आके देखिए। आई होप यू एंजॉय इट एज मच एज वी आर एक्सपेक्टिंग टू एंजॉय इट। आई एम एक्साइटेड फॉर इट, एंड ये कुछ फ़र्क है जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी ने इस तरह एक इन्वेस्टमेंट की और इस तरह की मूवी बनाई, तो आई थिंक इट्स ओपन्ड अप द पाथवे फॉर अदर न्यूअर फिल्म्स टू कम एंड डू द सेम। आज हम रेड कार्पेट पे आए हुए हैं, प्रीमियर पे आए हुए हैं उमरू अय्यार के, और मुझे लगता है कि ये फिल्म मेरे बहुत करीब है क्योंकि मैं बढ़ा हुआ हूँ उमरू अय्यार की किताबें पढ़ पढ़ के, मेरी वालदा मुझे सुनाती हैं, तो ये मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है। और अब हम फिल्म देखेंगे और ईद उल अज़हा पर ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, बड़ी मेहनत से ये फिल्म बनाई है, पाकिस्तान की पहली साइंस फिक्शन फैंटेसी फिल्म है, तो प्लीज़ जाइए ईद उल अज़हा पर, अपनी फैमिलीज को लेकर जाइए और ये फिल्म ज़रूर देखिए। वो जिसे कहते हैं ना जी कन्ना जो धुएँ निकलने, तो मेरे तो कानों से धुएँ निकले हैं सचमुच, और मुझे इतनी खुशी हुई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये हमारी फिल्म है, ये पाकिस्तान की फिल्म है। और एडवांस मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी टीम को, कास्ट को, जितना भी क्रू है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबको, और बड़ी खुशी हो रही है, मुझे लगता है कि मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है क्योंकि ये हमारी फिल्म है, हम सब की फिल्म है और सबको देखनी चाहिए, और जो ये फिल्म नहीं देखेगा वो ज़्यादती करेगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ। जी बहुत डिफरेंट मुझे सब्जेक्ट लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पहली बार ऐसी फिल्म बनी है और देखने को मिल रही है, अभी देखी नहीं है लेकिन जितने भी मैंने इसके प्रोमोज और ट्रेलर्स वगैरह देखे हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, और वैसे अपने पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। अल्लाह के घर से उम्मीद है कि ये फिल्म भी कामयाब हो, कामरान हो, क्योंकि इस फिल्म में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे बरखुरदार हैं, जिनमें हीरो नईम ताहिर साहब का साहबजादे एक तो हैं, और दूसरे एक और बरखुरदार हैं जो हीरो को जो उम्रो अय्यार बने हुए हैं, वो भी मेरे बरखुरदार हैं। तो अपने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैं आया हूँ। अय्यार आज आप देखेंगे बड़ी मेहनत से, बहुत प्यार से, बड़ी लगन से ये फिल्म बनी है। इसमें वो लोग हैं जो बहुत बहुत
और बहुत कामयाब एक्टर हैं। ये वो कहानी है जो हमें सुनानी चाहिए, ये वो कहानी है जो आज आप सब सुनेंगे। अपने बच्चों को सुनाइए, फैमिली को लेके आइए, इंजॉय दिस मूवी। हमारी मूवी है ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। कोई बात नहीं अगर लव स्टोरी नहीं है, लेकिन इसमें वो बात है जो होनी चाहिए। इसमें कोई हीरो और हीरोइन नहीं है, इसमें सब किरदार हैं, ऐसे किरदार जो हमारे सकाफत का एक विरसा है। उम्मीद है आप इंजॉय करेंगे, उम्मीद है बार बार देखने आएंगे फैमिली के साथ। आई होप यू हैव फन, आई होप यू इंजॉय दिस मूवी, आई होप वी कंटिन्यू मेकिंग मूवीज लाइक दिस। हैव फन।